दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हो गया है 2 अक्टूबर 2019 दिन बुधवार का। बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन अपडेट की कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा। बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी अपडेट्स आई है। मोदी सरकार की बड़ी घोषणाएं, बड़ा नियम और बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद सिलेक्ट करके लाई गई खबरें हैं जो केवल आपके काम की हैं। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो इसे जल्दी से एक लाइक जरूर कर दें और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का। आज का सवाल है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बंपर पुरस्कार। तो दोस्तों अब सीधे आ जाते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पीएम मोदी आज गुजरात से करेंगे देश को खुले में शौच मुक्त होने का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 158 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को गुजरात दौरे पर रहेंगे। शाम को करीब 7 बजे वे गांधी आश्रम पहुंचकर बापू को स्मरण करेंगे। इसके बाद वे रिवर फ्रंट पर देश भर से आए 20,000 सरपंचों को संबोधित करेंगे। इस समारोह में मोदी भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे और शाम को मोदी राज्य सरकार की ओर से आयोजित गरबा महोत्सव में जाएंगे, जहां मां दुर्गा जी की आरती करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से पूरी न्यूज के लिए जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही कि पीएमसी बैंक ने आरबीआई से छिपाई थी बड़े खातों की जानकारी, खोले थे कई फर्जी अकाउंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही है पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक में एक के बाद एक अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बैंक प्रबंधन अपनी साख बचाने के लिए चीजों को लगातार आरबीआई से छिपाता रहा और वधावन की अगुवाई वाले हाउसिंग डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HSDIL के संकटग्रस्त खातों को छिपाने के लिए प्रबंधन ने फर्जी खाते खोले थे और बैंक के बर्खास्त किए जा चुके मैनेजिंग डायरेक्टर जाय थॉमस ने आरबीआई को लिखे पत्र में स्वीकार किया है कि बैंक प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर नियमों के विरुद्ध काम किया और चीजों को जानबूझकर छिपाया। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर आ रही पटना से, आपको बता दें कि पटना में पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, ब्लास्ट कर गई टंकी, पानी से घिरे लोगों की बड़ी परेशानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजेंद्र नगर पटना फायर एट डिंकर चौक पेट्रोल पंप बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल पंप पर मंगलवार की शाम भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि पेट्रोल की टंकी ब्लास्ट कर गई थी और आग लगने की घटना राजेंद्र नगर इलाके के दिनकर चौराहा के नजदीक हुई। और बता दें कि राजेंद्र नगर का इलाका पहले ही 4 दिनों से पानी में घिरा हुआ है। ऐसे में आग लगने की घटना से पानी से घिरे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी और देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। टंकी ब्लास्ट होने के कारण का अब तक का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। चारों तरफ फैले पानी का इस्तेमाल आग बुझाने में किया गया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अपनाकर देश ने किया महात्मा गांधी को याद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत मिशन को आंदोलन के रूप में अपनाकर स्मरण किया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा है, स्वच्छ भारत मिशन को आंदोलन के रूप में अपनाकर भारत की जनता ने राष्ट्रपिता को स्मरण किया है। हमारा राष्ट्र समग्र विकास, पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर जोर देता है और गरीबों और किसानों के जीवन यापन को समर्थन और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन का प्रभावी इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा है कि हम सभी के लिए 150वीं गांधी जयंती विशेष अवसर है। सत्य, अहिंसा, सौहार्द, नैतिकता और सादगी के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा मानवता का संदेश देने के लिए सत्य, अहिंसा और सर्वोदय तैयार किया गया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से, आपको बता दें कि दिवाली से पहले लाखों यात्रियों को बड़ा तोहफा, 4 अक्टूबर से चलेगी ग्रे लाइन।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की नवनिर्मित ग्रे लाइन पर मेट्रो का संचालन 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हरदीप पुरी और केजरीवाल 4 अक्टूबर को दोपहर 12:15 बजे मेट्रो भवन से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे और द्वारका से नजफगढ़ के बीच यात्री 5:00 से सफर कर सकेंगे। और अभी हाल ही में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने सुरक्षा मानकों की जांच के बाद इसे यात्रियों के लिए खोलने की अनुमति दे दी थी। इस स्वीकृत के बाद से ही ग्रे लाइन पर मेट्रो परिचालन का रास्ता साफ हो गया था। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना कल से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को भारत आएंगी। हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें, मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई समझौते होंगे। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से वीडियो लिंक के माध्यम से 3 द्विपक्षीय परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। बांग्लादेश और भारत में चुनाव होने के बाद हसीना की यह पहली यात्रा होगी और हसीना विश्व आर्थिक मंच द्वारा 3 और 4 अक्टूबर को आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन की मुख्य अतिथि भी होंगी। अधिकारी ने बताया कि हसीना और मोदी द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीके पर विचार विमर्श करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि SBI टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट से बाहर, इस कंपनी ने इस क्लब में ली एंट्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI मंगलवार को बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी 10 घरेलू कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गया है और बैंक के शेयर की कीमत में 5.50% की भारी गिरावट के कारण बैंक के मार्केट वैल्यू में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और BSE पर बैंक का एक शेयर 256 रुपए के साथ बंद हुआ। और दिन के कारोबार के दौरान एक समय तो SBI के एक शेयर की कीमत 9.32% तक घटकर 245.62 रुपए के स्तर तक आ गई और ये बैंक के शेयर का 52 हफ्तों का सबसे निम्न स्तर है। तो दोस्तों, इसी तरह से पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सितंबर में भी GST संग्रह घटा, जानिए क्या रहा आंकड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर में माल एवं सेवा कर GST का कलेक्शन घटकर 91,916 करोड़ रुपए रह गया है। इसका मतलब है कि पिछले महीने अगस्त के मुताबिक 6,286 करोड़ रुपए कम GST संग्रह हुआ। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों में GST कलेक्शन को लेकर यह जानकारी दी गई है और पिछले साल सितंबर में 94,442 करोड़ रुपए का GST सरकार खजाने में आया था। और न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में संग्रहित GST के CGST की हिस्सेदारी 16,630 करोड़ रुपए रही। इसी तरह से पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करते हैं। तो अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बदल गए हैं कई नियम, जानिए आपकी जेब पर होगा इनका क्या असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बैंकिंग ड्राइविंग लाइसेंस GST सहित विभिन्न सेक्टरों में 1 अक्टूबर 2019 यानी आज से विभिन्न बदलाव हुए हैं और ये परिवर्तन हम सभी के जीवन एवं जेब पर अच्छा खासा असर डालने वाले हैं। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक आज से बैंक को रेपो रेट लिंक्ड ब्याज दर पर रिटेल लोन देंगे। वहीं GST दरों में संशोधन की वजह से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में घट बढ़ देखने को मिलेगा और वहीं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ बहुत अहम बदलाव भी आज से लागू हो गए हैं। तो दोस्तों, विस्तार में जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वेदर अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसूनी द्रोणिका 12 अक्टूबर तक दिखाई देगी असर। आपको बता दें कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून की बारिश अभी तक असर दिखा रही है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये असर 12 अक्टूबर तक बना रहेगा। अरब और हिंद महासागर में उपजे चक्रवात से निर्मित द्रोणिका सीधे प्रदेश की तरफ खिसकी थी। आपको बता दें, इसी वजह से सितंबर में कुछ जगहों पर तेज बारिश और कहीं कहीं सामान्य बारिश हुई है। मौसम विभाग का मानसून चक्र सितंबर तक दर्ज किया जाता है। 1 अक्टूबर से नई बारिश का आंकड़ा दर्ज किया जाने लगता है, लेकिन इस बार मानसून पीछे नहीं खिसका, अक्टूबर में भी सक्रिय रहेगा। खंड बारिश का दौर चालू रहेगा और धीरे धीरे रात में तापमान भी नीचे आने लगेगा और हल्की ठंडक का एहसास होगा। इसके बावजूद एक दिन का तापमान 30 डिग्री से अधिक हो जाएगा और पूरे मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अरब सागर और हिंद महासागर में चक्रवात का निर्माण सितंबर के आखिरी दिनों में हुआ। इसमें निर्मित द्रोणिका यानी कम दबाव का क्षेत्र हवाओं के साथ प्रदेश की सीमा के प्रवेश कर गया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ होकर यह द्रोणिका हिंद महासागर तक पहुंची, इसी वजह से सितंबर अंत तक मानसून वापस नहीं हुआ।
अगली बड़ी खबर खेल की दुनिया से आ रही है। आपको बता दें कि विराट के सबसे बड़े हथियार साबित होंगे अश्विन व जडेजा। पिछली बार दोनों ने लिए थे 46 विकेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम 4 वर्ष के बाद भारत आई है और भारतीय धरती पर साउथ अफ्रीका के लिए ये टेस्ट सीरीज आसान तो नहीं होने वाला है और खास तौर पर यहां की पिच जो स्पिनरों के लिए काफी मददगार साबित होती है। पहले टेस्ट के लिए विराट कोहली ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है और उन्होंने टीम में 2 शुद्ध स्पिनर के तौर पर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। यकीन मानिए, इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के लिए सबसे बड़े हथियार ये दोनों गेंदबाज ही साबित होंगे। आपको बता दें कि अश्विन और जडेजा क्यों साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के सबसे बड़े हथियार साबित होंगे, इसके पीछे कुछ खास वजह है। जरा साउथ अफ्रीका के पिछले दौरे की बात करते हैं। इस दौरे से पहले जब साउथ अफ्रीका टीम 2015 में भारत आई थी तब दोनों देशों के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को जीत मिली थी और इस जीत में भारतीय टीम के इन दोनों स्पिनरों का रोल काफी महत्वपूर्ण रहा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चांदी की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, सोने की चमक पड़ी फीकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है और चांदी में जबरदस्त उछाल आया है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने में 85 रुपए की गिरावट आई है। भाव में इस गिरावट में अब तक 10 ग्राम सोने की कीमत 38,140 रुपए पर आ गई है। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर विश्लेषक तपन पटेल के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 58 रुपए की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि सोने के भाव में ये गिरावट डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के कमजोर होने के चलते देखी गई है। उधर चांदी में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के चांदी में 2,360 रुपए का उछाल आया है। इस उछाल के साथ अब तक 1 किलो चांदी की कीमत 47,580 रुपए हो गई है। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का कारोबारियों द्वारा अच्छी दिवाली होने से चांदी की कीमतों में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।